गाइस वंदे मातरम। ये नाइट अप्रोच है, ये एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ONGC में, आप देख सकते हो। सो ये नाइट को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। वो जो आपको दिख रहा है दैट फायर, वो जो वहाँ से निकल रहा है दैट इज कॉल्ड फ्लेयर्स। वहाँ पे क्या होता है कि जो भी गैसेस होते हैं वहाँ से निकलते हैं और वहाँ पर वो फायर होकर उस गैस को बर्न कर दिया जाता है। तो जब तक प्रोडक्शन होता है इस तरह से गैसेस जाते रहते हैं, उनको बंद करते रहा जाता है। सो दैट पोर्शन इज कॉल्ड फ्लेयर्स। और ये पूरा जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, आप ये देखो, मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरह से कम्प्लीटली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट दिस इज हाउ इट लुक्स। और पास जा रहे हैं हम स्लोली, बाकी चारों तरफ अंधेरा है यार, ये देखो बाकी चारों तरफ अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखेगा। आई डोंट नो हाउ मच माई कैमरा इज द कैचिंग, बट यस दिस इज हाउ वी अप्रोच। सो थोड़ा मैं दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो आप फ्लैश लाइट मारने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पास में एक छोटा सा जैकेट भी है। सो गाइस दैट इज व्हाई आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव जोन होता है, जो ऑयल फील्ड गैस फील्ड्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वगैरह हमेशा रिलीज होता रहता है, हाईली सेंसिटिव एरिया होता है। सो अप्रोचिंग इज यू नो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, और बहुत ही सोच समझ के और संभल के अप्रोच करना होता है, सो दैट कि आप कहीं जाकर हिट ना करो किसी भी प्लेटफॉर्म के लेग में या किसी भी प्लेटफॉर्म के आसपास आप हिट ना करो। सो इसके लिए ही स्पेशलाइज्ड वेसल्स होते हैं, जो कि DP वेसल्स होते हैं, DP 1, DP 2 एंड DP क्लास 3 टाइप ऑफ वेसल होते हैं। ये अप्रोच करते हैं, DP मतलब होता है डायनेमिक पोजिशनिंग। ये क्या करते हैं कि एक जगह एक पोजिशन एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लॉक करके और उसको होल्ड कर देते हैं, और वो क्या होता है कि उस पॉइंट से मतलब बहुत कम डेविएशन होता है, मतलब माइनर नेग्लिजिबल डेविएट करते हैं वो, बेसिकली उस पॉइंट को वो होल्ड करके रखते हैं ताकि इनके साथ जो भी कम्युनिकेशन है और जो भी कार्गो वर्क है वो हम कमेंस कर सकें और उसको कंप्लीट कर सकें। क्योंकि आई डोंट नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट क्योंकि यार ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सिचुएटेड हैं आइडियली एक एक जगह पे, इनके पास सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ यू नो डिलीवरिंग थिंग्स जो है मेनली हम ही हैं, वेसल्स हैं। जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हेलीपैड वगैरह यहाँ पे बने होते हैं, बट दैट इज़ ओनली फॉर मैन ट्रांसफ़र, इवैक्यूएशन और हॉस्पिटल सर्विस के लिए और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए होता है। तो हेलीकॉप्टर वगैरह के थ्रू यार क्या होता है कि उतना चीज़ें बार बार यहाँ से फ्लाई करके एक यू नो कुछ कार्गो अगर उनको पहुँचाना है तो वो हम वहाँ से नहीं कर सकते ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू हेलीकॉप्टर, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटीज़ होती नहीं है। तो बेसिकली उसके लिए जो DP वेसल्स होते हैं वो होते हैं, हम जाते हैं, हम इनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं जो भी चीज़ें हैं जैसे खाना से लेके इनको किस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, ड्रिलिंग के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, किस केमिकल की ज़रूरत होती है, किस बल्क प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, फ्यूल की ज़रूरत होती है, वॉट एवर दे रिक्वायर, पानी वगैरह सब कुछ हम इनको सप्लाई करते हैं, सब कुछ इनको हम देते हैं। सो दिस इज़ द स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन डन बाय द DP वेसल्स। वो बेसिकली स्पेशली जो होता है रिग, जैकेट्स, प्लेटफॉर्म और जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि या तो डायनेमिकली स्टेशनरी हैं या फिर स्टैटिकली स्टेशनरी हैं, उनको हम जाकर और प्रोवाइड करवाते हैं चीज़ें। सो दिस इज़ व्हाट। और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो है वेसल का फॉरवर्ड पोर्शन है, हम फॉरवर्ड की तरफ जो होता है नेविगेशन चलता है, दिस इज़ द फॉरवर्ड पोर्शन ऑफ द वेसल। बट वंस वी स्टार्ट अप्रोचिंग टू द रिग, प्लेटफॉर्म, जैकेट, वॉट एवर फॉर द कार्गो ऑपरेशन, वी अप्रोच देम फ्रॉम यू नो फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम द एस्टर्न। यू देख आप देख सकते हो, ये देखो ये हमारा जो है ये डेक है, ये जो है ये हमारा डेक है, और ये डेक बिहाइंड में आता है।
हम पीछे की तरफ से हम अप्रोच करेंगे। डीपी वेसल्स की एक खासियत बहुत अच्छी होती है कि 360 डिग्री मूवमेंट होता है इनका, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड आफ्ट किसी भी डायरेक्शन में उतना ही एफिशिएंटली मूव कर सकते हैं। सो ये इनका एक स्पेशल यू नो एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक इनका एक मतलब पॉजिटिव चीज़ बोल सकते हैं या फिर इनकी एक स्पेशलिटी होती है कि ये सारे तरफ से मूव कर सकते हैं। सो पीछे से इसलिए होता है क्योंकि जो इसका डेक होता है, जो कार्गो जिस पे लोडिंग डिस्चार्जिंग हो सके, वो बैक पोर्शन में है, तो वॉट एवर ट्रांसफरिंग और जितनी भी चीज़ें होती हैं सब तो पीछे से ही होगा। सो इसीलिए पीछे से अप्रोच किया जाता है। और इनके ब्रिज में भी मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें फॉरवर्ड नेविगेशन के लिए जब नॉर्मल नेविगेशन करते रहते हैं तो फॉरवर्ड कंसोल का यूज़ करते हैं, और कार्गो ऑपरेशंस वगैरह के लिए हम इनके आफ्ट कंसोल का यूज़ करते हैं जहाँ पे डीपी भी कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली डीपी ऑपरेट आफ्ट से होता है, आफ्ट में भी सारे फंक्शंस होते हैं इनके, टेलीग्राफ से लेके स्टीयरिंग से लेके एवरीथिंग, वॉट एवर कंट्रोल्स प्रोवाइडेड एट फॉरवर्ड द सेम कंट्रोल्स आर प्रोवाइडेड इन आफ्ट टू। सो इस तरह से यार ये काम करता है। आई डोंट नो मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं, दिखा पाया कि नहीं, बट यार दिस इज़ हाउ इट वर्क्स गाइस। डीपी वेसल्स में इस तरह के काम होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक सप्लाई वर्क है, इसके अलावा ये वेसल लाइक यू नो टोइंग करता है और एंकर हैंडलिंग करता है, डाइविंग करता है, मतलब डाइविंग के लिए दूसरे स्पेसिफिक वेसल्स होते हैं, MPV और DSV होते हैं, जो डाइविंग सपोर्ट वेसल, दे आर स्पेसिफिकली यू नो देयर नेचर ऑफ वर्क इज़ डाइविंग। हमारे वेसल का नेचर ऑफ वर्क डाइविंग में नहीं आता है क्योंकि दिस वेसल इज़ यू नो मेड फॉर सप्लाई एंकर हैंडलिंग इन दिस टाइप ऑफ वर्क। सो अलग अलग टाइप के डीपी में भी कई सारे टाइप के वेसल्स होते हैं। सो उनमें से एक टाइप ये है जिस पे मैं हूँ फिलहाल, DP2 टाइप है ये, और ये बेसिकली एंकर हैंडलिंग टग एंड सप्लाई वेसल है, और ये इस तरह के काम जो है उसको अंजाम देता है गाइज। सो आई होप समवॉट आपको एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा। सो फॉर एनी क्वेरीज हमेशा की तरह आप मुझे इंस्टा कर सकते हो, मैं इंस्टा का आपको आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में और वहाँ इसमें लिंक में भी वीडियोस में आपको दे दूँगा। और कमेंट करो, आपको अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए इन सब चीज़ों से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको यार एक अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट टॉपिक, रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट दे पाऊँ, और अगर मैं नहीं भी कर पाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कहीं और से फाइंड आउट करके आपको बताऊँ, बट येस डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, इन्जॉय, आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून। थैंक यू, वंदे मातरम।